जय हिंद सर, साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube पर। दोस्तों आज हम आप लोगों से बताएंगे कोण निकालना कितना आसान है और किस हिसाब से आपको कोण निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान आसान है, वो भी कुछ ही सेकेंडों में, केवल देखकर ही वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम आप लोगों को आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला इसमें कोण कितना है आपको बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसमें कोण जो है कितने हैं, इसमें कितने, इसमें जो है त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को एक हिसाब से लग रहा होगा केवल एक है, बिल्कुल एक ही है, इसमें केवल एक है तो बिल्कुल एक ही है। अब इसमें देखिए इसमें कितने हैं, इसमें आपको बताइए, इसमें देखिए इसमें दो हैं, इसमें कितने हैं, दो हैं, एक और दो, इसमें दो होंगे। ठीक है, अब जब इसे जोड़ेंगे वन प्लस टू बराबर थ्री, तो इसमें तीन है, कितने हैं, इसमें जो ट्रिंगल यानी कोण है वो कितने हैं, तीन हो जाएंगे, तीन कोण इसमें, वो किस हिसाब से बनेंगे देखिए। एक तो ये हो गया आपका इधर का, एक बार में आप लूंगा सीधा दूंगा, दूसरा हो गया आपका इधर का, तीसरा हो गया आपका जो है पूरा इधर का, तो ये हो गए आपका कोण। तो कितने बने हैं इसमें आप लोगों के, तीन कोण बने हैं, तीन कोण। अब आप लोग इसका पॉइंट बताइए कि इसमें कोण कितने हैं, इसमें कोण कितने, जिस हिसाब से प्रश्न बनता जाएगा उस हिसाब से कोण भी बनते जाएंगे। देखिए इसमें कितना होगा, एक दो तीन चार, तो इसमें कितने हो जाएंगे कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसमें कोण जो है कितने हो जाएंगे, इसमें कोण की संख्या कितनी होगी। देखिए कोण हो जाएंगे चार, पहले यहाँ से इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं आसान वासन मैं आप लोगों को बताऊँ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इसे अब जब जैसे ही हम जोड़ेंगे तीन छः नौ दस, यानी दस हो गए, कितने हो गए आपके, दस हो गए। अगर इस हिसाब से देखेंगे कि इसमें कितने कोण बने थे, तो इसमें जो कोण है कोण की संख्या है वो दस है, कितनी है टेन है इसमें कोण की संख्या। आगे देखेंगे इसमें आपको बताइए कमेंट करके इसमें कितने हैं, इसमें देखिए एक दो तीन चार, यानी दस तो ये यहीं पे बन रहे, चार तीन सात तीन दस, ठीक है यहाँ पे दस तो ये यहीं पे बन रहे, दस ये बन रहे। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन यानी तीन दो पाँच एक छः, तो यहाँ पे एक छः तो ये बन रहे, एक दो एक और दो ये कितने बन रहे, तीन, तो ये बन रहे, तो दस, तो इसे जोड़ लीजिए दस प्लस छः प्लस तीन यानी उन्नीस, इसमें कोण की संख्या कितनी है, उन्नीस कोण की संख्या इसमें है। इस हिसाब से आप अगले में देखिए, अगला आपके सामने ही है, इसे आप लोग बताइए कि इसमें कितनी है, इसमें चलिए इसमें मैं एक पॉइंट और बढ़ा लेता हूँ तो आप लोगों को इसमें समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आप लोगों को समझने में इसमें आसानी रहेगी, क्या रहेगी, आसानी रहेगी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा लेता हूँ। चलिए देखिए एक दो, इसमें बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताते ही रहिए। देखिए एक दो तीन चार, चार हो गए। ठीक है, अब आपको इसमें देखिए यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे एक दो, अब इसका जो है फिगर को जैसे ही हम काउंट करेंगे, काउंट करके जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के पता लग जाएगा कि इसमें जो है फिगर की संख्या कितनी है। देखिए इसमें तीन कितना हो गया, वन प्लस दो बराबर तीन, तीन अब यहाँ पे वन प्लस दो प्लस तीन बराबर छः हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी छः हो गए, कितने हो गए, छः हो गए। अब यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर यानी बराबर दस हो गए, कितने हो गए, दस। तो इसे जैसे ही मैं काउंट करूँगा दस प्लस छः प्लस छः प्लस तीन यानी आपके हो गए दस छः बारह, ठीक है बारह और तीन यानी कितने हो गए आपके, अब आप लोग कमेंट करके बताइए 25 फिगर हो गए। काउंट कर लो आसान भाषा में, काउंट करो दस इसे कर लो, छः से जोड़ के बारह इसे कर लो, तीन इसे अलग कर लो, तो इस हिसाब से आप लोग जल्दी से भी काउंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए इसका, इसे बढ़ रहे हैं तो आसानी से बहुत है। देखिए इसे एक दो तीन, दो तीन, इसे बहुत आसानी से हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं, चाहे इसका वर्ग कर लें, चाहे इसका गुणा कर लें, चाहे इसका हम
कर लें बर्न कर लें चाहे कर गुणा कर लें, इससे ऐसे हम गुणा भी कर सकते हैं इसका, इससे जितना भी हो उससे और ये को वैसे ही लिखें। जैसे 3 × 3 बराबर कितना हुआ 9 हुआ, उस हिसाब से 2 × 2 बराबर कितना हुआ 4 और जो है आपका प्लस 1 तो 9 × 4 = 14, तो इसमें जो है क्लियर की संख्या कितनी है 14 हो जाएगी। कितनी इसकी संख्या है 14 क्लियर की संख्या हो जाएगी, कितनी 14 क्लियर की संख्या हो जाएगी। आगे देखिए इसमें आप हमको बताना है इसमें कितने हैं, तो इसमें देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका हम जैसे ही इसे काउंट करेंगे तो इसका कितना हो गया 5, तो इसके कितने हो गए आपने पॉइंट करके भी बताइए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 6, 3, 9 ये 10, 5, 15 यानी इसमें फिगर हो गए 15। जैसे ही मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन खींच कर देता हूँ और यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, अब इसमें जो है फिगर की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगी जो फिगर है काउंट उसकी जो है संख्या बढ़ जाएगी, वो किस हिसाब से हो जाएगी, जैसे 3, 6 यानी 15 आपके हो गए, ठीक है। अब इसमें भी जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप इस हिसाब से नहीं करते तो आप उनको आसान भाषा में मैं बता दूं, जैसे एक बार इसे जोड़ लिया 15 हो गया आपके 15, ठीक है, तो एक काम कर लिया 2, 3, 4, 5 पांच काम काम कर लिया, तो 15 × 5 करके 75 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो आप इसे भी जोड़ लीजिए 15 = 15 = 15 = 15, ठीक है। जैसे जोड़ेंगे 15 × 15 हो गया 15 × 3 = 45 और 60 हो गए, 30 और 30 = 60 हो गए, 60 हो गए, ठीक है, 30 और 30 = 60 हो गए, तो 60 + 15 = 75 आपके इसमें फिगर जो है इसमें ट्रिंगल जो है आपके 75 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 75 जो है ट्रिंगल इसमें बन रहे हैं। इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं आसान भाषा में, हमने आप लोगों को बहुत आसान भाषा में ट्रिक के हिसाब से बताया है। और आगे देखिए आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को आगे बताऊंगा। आगे देखिए आगे क्या है, आगे आप लोगों को जैसे इसमें बताइए, आप लोग इसमें बताइए इसमें पॉइंट करके बताइए, जल्दी से बताते रहिए इसमें बताइए इसमें बताइए कमेंट करके। और इसमें बताइए इसमें भी बताइए आपको फिर इसमें बताइए फिर इसमें बताइए इसमें बताइए इसमें फिर इसमें बताइए आपको इसमें भी बताइए। इसकी चोन मैंने क्या है काफी बड़ी होती है, चलिए इसको बताइए आप लोग जल्दी से आप कमेंट करके भी बताइए, मैं भी बताता हूँ आप लोग भी बताइए। चलिए इसका बताइए इसका क्या होगा, जैसे इसका क्या होगा, इसका
इसमें एक लाइन इधर से खींच दो, इसमें दो लाइनें खींच दो, इसमें ऐसे लाइनें खींच दो, इस हिसाब से आप लोग बता सकते हैं। इसमें अनगिनत लाइन खींच दो, जितनी भी हो उस हिसाब से आप लोग बता सकते हैं। अब इसमें ट्रिंगल बताइए, आप देखिए कितनी गर्मी है। तो इसमें जो है फिगर की संख्या आप लोग बताइए कितनी होगी, इसके लिए एक दो, तो इसकी कितनी हो जाएगी। तो इसे आसान भाषा में, सबसे ज़्यादा भाषा में आप लोग समझे तो आसान भाषा में समझिए, इतर का लेना देना नहीं है, बिल्कुल जो है हिंदी भाषा में समझ लीजिए। इस हिसाब से जैसे इसे जैसे वन और टू दो हो गए, ठीक है, तो दो का आप लोगों को क्यू करना है और आठ लिखना है, तो इसका राइट आंसर आठ हो जाएगा। इस फिगर का जो है राइट आंसर कितना होगा, आठ हो जाएगा। वही अगर अगले की बात की जाए, जिससे इसका वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री ऐसे नहीं, इसे इस हिसाब से लिखिए, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सही से बता दूँ, एक दो तीन और एक दो, तो इस हिसाब से इसमें आप फिगर आपको पॉइंट के लिए जल्दी से बताते रहिए। कुछ लोगों का सही भी राइट आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं भी आ रहा है। तो इसका तीन की पावर क्यूब हो जाएगा, तो कितना होगा 27। इसमें फिगर की संख्या टोटल कितनी है, 27 फिगर की संख्या है, कितनी है 27, इसमें टोटल जो है फिगर की संख्या है। टोटल फिगर की अगर बात की जाए तो इसमें 27 है, कितने हैं 27। आगे देखिए, आगे फिगर में इसमें कितने हैं, अब इसका बताइए, एक दो तीन चार, यानी चार। तो इसमें फिगर कितने होंगे, इसका गुणा कर देना है चार गुणे चार बराबर 4×16=64, यानी 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें टोटल फिगर की काउंटिंग है वो 64 है, कितनी है 64, जिसमें फिगर है। केवल 2 सेकेंड में आप लोगों को समझ में तो कुछ नहीं टाइम लगेगा और आसान भाषा में समझ सकते। इस हिसाब से इसमें देखिए 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की गुणा 5 बार कर दें, ठीक है, 5 बराबर 125 का गुणा करिए, 125 का गुणा करिए, 25 पंद्रह 10 दो 12 5 एक 5 5 एक 625 625 पंचे 625 पंचे कितना होगा, आपको पॉइंट होगा इसका बताइए, 625 पंचे कितने हो जाएंगे। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी बताइए पॉइंट होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना होगा, 525 पंचे 125, इसका राइट आंसर होगा 125। 125 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे ही आप लोगों को फिगर आए तो आप लोग इस हिसाब से इसका जो है राइट आंसर बता सकते हैं और निकाल भी सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को क्लास कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है, देखिए इस हिसाब से इसका जो है इस जिस हिसाब से इसे लिखा हो तो इसका पावर कर लें, क्यू निकाल लें, क्यू कर लें, ठीक है। उस हिसाब से इसका भी अगर पावर दिया है यहाँ पे तो उसका भी जो है क्यू कर लें, क्यू करने के बाद अगर इसका भी दिया है इसका भी क्यू करना है आपका, इसकी 4 की पावर जो है कितनी, 4 की पावर इससे नहीं देते हैं, 4 की पावर क्यू करना है, इसका भी 5 है 5 की पावर जो है क्यू करना है, 125 हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोग फिगर की जो है काउंटिंग कर सकते हैं।